तो भाई साहब क्या चल रहा है हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 जो अभी तक बहुत स्लो रेट पे चल रहा था, लेकिन एपिसोड 4 ने भाई साहब पूरा गेम चेंज कर दिया है। अभी मामला पूरा बदल चुका है, क्योंकि जिस चीज के लिए वेट कर रहे थे, खासकर सीजन 2 के लिए, क्योंकि सीजन 1 पर जो एंडिंग हुई थी भाई, कि अब जो है ड्रैगन वॉर देखने को मिलने वाली है, बहुत एक्साइटेड थे इस चीज के, लेकिन एपिसोड 4 में वो जो पहली झलकी जब देखने को मिली है तो बाबा थोड़ा सा दिल रूठ के भी गया है, क्योंकि मैलिस ड्रैगन के साथ रेनिस वैलेरियन की जो केमिस्ट्री थी भाई, वो शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली। लेकिन ऐसे एंड हो जाएगी, क्योंकि ब्लैक्स के पास अगर देखें तो ब्लैक्स के पास कोई इतना वेल एक्सपीरियंस ड्रैगन अभी फिलहाल के लिए नहीं है, और राइडर भी नहीं है। रेनिस थी जो बहुत से बैटल लड़ चुकी थी। रेनिस का नाम जब भी बैटल फील्ड में आता था भाई, रूह कांप जाती थी लोगों की। वो रेड ड्रैगन के साथ अपनी जो, क्योंकि वो मैलिस जो ड्रैगन है हाईएस्ट स्पीड में ड्रैगन है, उसे काउंट करा जाता है जो सभी से बहुत ज़्यादा फुर्तीला है, और वो कलाबाजी हमें एपिसोड 4 में भी देखने को मिली थी। जबकि वागार के सामने टिक पाना किसी के लिए भी इतनी आम बात नहीं है, लेकिन मैलिस ड्रैगन भाई, वो आंखों से कनेक्शन रेनिस के साथ जब चल रहा था, वो केमिस्ट्री समझ में आ रही थी, वो उन्हें पूरा समझ में आ चुका था कि हमने एक शानदार लाइफ जी है, बस एक लास्ट लड़ाई है जो लास्ट लड़ाई इतिहास में काउंट होनी चाहिए। और वो पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं दोनों ही, ड्रैगन राइडर एंड उसका ड्रैगन मैलिस। भाई वागार तो वागार है, फुल एक्सपीरियंस, बहुत पावरफुल है, लार्जेस्ट साइज है जिसका उसे एडवांटेज मिलता है, और एडवांटेज इसमें भी देखने को मिला है। भाई एमेंड जो उतना ज़्यादा वेल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन क्लेवर मूव और ऑफेंसिव एटीट्यूड के साथ जो ये लड़ता है बंदा, वो इतने वेल एक्सपीरियंस राइडर को हरा चुका, तो भाई इसमें कोई खास बात तो है। साथ में वागार का जो एडवांटेज इसे मिलता है लार्जेस्ट साइज का, वो भी दमदार है। लेकिन हाँ भाई, अब इसके सामने फिलहाल कौन आ सकता है, यानी कौन इस वागार को टक्कर दे सकता है? भाई एक ही नाम है, डेमन टारगेरियन, और उसका कैरेक्सिस ड्रैगन, बस वही टक्कर दे सकते हैं। लेकिन प्रोफेसी एक ये भी सुनने को मिली है, जिसे आप र्यूमर ही समझ के चलो, कि भाई साहब आगे कैरेक्सिस ड्रैगन मारा जाएगा किसके, वागार के हाथ में। फिलहाल मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा हो, क्योंकि ऐसा हो जाएगा तो भाई फिर कहानी में मजा नहीं आएगा। लेकिन अब मुद्दे की बात यह आती कि भाई साहब वॉर तो होना निश्चित है, डेफिनेटली, क्योंकि एपिसोड 5 का जो प्रीव्यू हमने देखा, वहां पर किंग्स लैंडिंग पर जो ग्रीन्स है वो इस बैटल की विनिंग में अपने आप को उसकी नुमाइश कर रहे हैं। जनता का जो ट्रस्ट होगा अपने रूलर के लिए कि भाई साहब हम उस साइड में हैं जहां पर हम लड़ाई हार नहीं रहे हैं, फिलहाल जीत ही रहे हैं, क्योंकि मैलिस जैसे दिग्गज ड्रैगन का सर उड़ा दिया गया, इट मीन्स ये कि भाई साहब अब जो है दमदार फाइट होने वाली। लेकिन मुद्दे की बात यह आती है कि भाई साहब ड्रैगन सब कितने कितने किसके पास हैं, क्योंकि ड्रैगन वॉर होना निश्चित है, खून खराबा होना निश्चित है, तो ब्लैक्स के पास भाई साहब फिलहाल के लिए 3 ड्रैगन हैं, अगर उसमें डेमन टारगेरियन को काउंट नहीं करा जाए, क्योंकि डेमन टारगेरियन एक अलग सेना तैयार कर रहा है, एक अलग रणनीति के साथ चल रहा है, अगर वो ब्लैक्स के साथ आता है तो 4 ड्रैगन हो जाएंगे। फिलहाल के लिए 3 ड्रैगन हैं ब्लैक्स के पास, और ग्रीन के पास हैं 4 ड्रैगन, लेकिन उसमें से सिर्फ लड़ने के लायक हैं सिर्फ 2 ड्रैगन, 2 ड्रैगन जो है लड़ने के लायक नहीं है। ब्लैक्स के पास है रेनिरिया टारगेरियन का साइरेक्स ड्रैगन, जो भाई दमदार तो है, काफ़ी फाइटें भी लड़ी हैं, लेकिन उतना ज़्यादा वेल एक्सपीरियंस नहीं है। जब रेनिस और मैलिस की हालत वागार के सामने ये हो सकती है, तो रेनिरिया टारगेरियन भाई साहब उससे तो लेस एक्सपीरियंस ही है ही है। फिलहाल में रेनिस ने बहुत सी बैटल्स लड़ी हैं, जो एक बार के लिए ये भी बताया जाता है कि डेमन टारगेरियन से बहुत ज़्यादा वेल एक्सपीरियंस है, और कैरेक्सिस और डेमन से भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी हैं। दैट्स वाई कि भाई उस ड्रैगन की जब ये हालत हो सकती है, तो आगे जाके साइरेक्स और फिर ये कैरेक्सिस ड्रैगन की भी क्या हालत करेगा वागार। फिलहाल एपिसोड 5 में कोई ड्रैगन वॉर प्रीव्यू में देखने को तो नहीं मिला, हो सकता है एपिसोड 5 की एंडिंग में ही ड्रैगन वॉर देखने को मिले। बाकी के 2 ड्रैगन की बात करें तो रेनिरिया टारगेरियन का फर्स्ट बास्टर्ड सन है जैकेरिस टारगेरियन, जिसका ड्रैगन है वर्मक्स, जो बताया जाता है कि हर साल ये अच्छी खासी ग्रोथ के साथ बड़ा हो रहा है। लेकिन भाई साहब वही चीज़ ना, तजुर्बा भी बहुत ज़रूरी है। वागार अभी तक लड़ाइयाँ लड़ चुका है, दैट्स वाई कि एमेंड और वागार के पास एक्सपीरियंस है कैसे बैटल में लड़ाइयाँ लड़ी जाती है। लेकिन अभी तक जैकेरिस को कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं मिला है जो कि बैटल में जाए, तो उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। फिलहाल वागार के सामने जैकेरिस का जो वर्मक्स है इतना ज़्यादा टिक जाए, फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, बेला टारगेरियन की बात करें, जो बार बार पर पेट्रोलिंग करती रहती है, लेकिन बेला टारगेरियन का मून डांसर जो है उसे भी फुर्तीला काउंट करा जाता है, तो हो सकता है ये सारे ड्रैगन मिलकर वागार को एक बार के लिए टक्कर दे जाएं। लेकिन फिर भी वागार इनकी धज्जियाँ उड़ा सकता है ईजिली, जब तक कि डेमन टारगेरियन का इनको सपोर्ट ना लगे तब तक। बात करें ग्रीन्स में, तो भाई साहब ग्रीन्स में 4 ड्रैगन हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही ड्रैगन लड़ने के लायक हैं। एक एमन टारगेरियन का वागार ड्रैगन, जिसकी मैं क्या ही चर्चा या ख्याति करूं, क्योंकि
एवरीवन नोज कि वागार किस हद तक रौद्र रूप में चल रहा है, और अभी सिर्फ हाउस ऑफ द ड्रैगन का जहां नाम आ रहा है वहां वागार का नाम तो आ ही आ रहा है। फिलहाल अभी तक जो डेमन टारगेरियन सब चीज को ओवर शैडो करता था, हाईलाइट करता था, फिलहाल के लिए वागार ने उस सारी मोमेंटम को अपनी तरफ कैच करके रखा है। दूसरा अगर बात करें तो किंग एगोन टारगेरियन का जो बीबी है हेलिना टारगेरियन, उसके जो ड्रीम फायर ड्रैगन है, लेकिन उसे भी इतना ज़्यादा काउंट में नहीं करा जाएगा क्योंकि वो भी कोई बैटल फील्ड पर नहीं उतरी है, तो उसे भी उतना लड़ने वड़ने का तजुर्बा है नहीं, और ड्रीम फायर के साथ उसका कनेक्शन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भी नहीं, क्योंकि ड्रीम फायर के साथ पहले कनेक्शन किसका था, डेमन टारगेरियन की सेकेंड जो बेटी थी रीना टारगेरियन, वो उस ड्रैगन को चलाया करती थी, लेकिन बाद में हेलिना के पास कैसे आया उसके पीछे कहानी फिलहाल मुझे नहीं पता है। आपको पता हो तो नीचे जरूर बता के जाना कमेंट बॉक्स पर। फिलहाल के लिए भाई साहब ग्रीन्स के बाद 2 ड्रैगन हैं एंड ब्लैक्स के बाद 3 ड्रैगन हैं एंड चौथी जो अलग तीसरी लड़ाई चल रही है डेमन टारगेरियन जिसके पास कैरेक्सिस ड्रैगन है, जो भाई साहब एक अपनी अलग सेना तैयार कर रहा है सीधा लोगों को धमका के, बाकी के लॉर्ड्स को धमका के, भाई अगर तुम मेरे साथ आते हो तो ठीक है वरना अपने घर को जलते हुए देखो और मैं तबाही मचाऊंगा, और डेमन टारगेरियन अपने वादे का पक्का है और वो बुरी तरीके से लोगों को मारेगा भी, ना कि सिर्फ इविल को, वो इनोसेंट को मारने भी वो हिचकता नहीं है। एक ऐसा फाइनेस कैरेक्टर है जो निगेटिविटी भी भाई ब्रूटल में काउंट करा जाता है, फुल टॉक्सिक कैरेक्टर जो मुझे बहुत पसंद है। फिलहाल के लिए डेमन के लिए भाई साहब वो स्पेस अभी नहीं बन पा रही है, एपिसोड 5 में हो सकता है कि ब्लैक्स के साथ ये जाके मिल जाए, या हो सकता है कि ये अपने लिए फाइट तैयार करे, क्योंकि नेक्स्ट जो किंग्स लैंडिंग का आक्रमण होने वाला है वो हैरन हॉल पर होने वाला है, क्योंकि रिवरलैंड का बहुत बड़ा क्षेत्र वो लोग अपने खाते में लाना चाहेंगे। दूसरी तरफ भाई साहब ब्लैक्स नहीं लाना चाहेंगे क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि डायमंड टारगेरियन अभी भी हमारे साथ है, बट दे डजंट नो द हार्श रियलिटी ऑफ डायमंड टारगेरियन एंड द कल्प्रिट ऑफ हिज इमोशन एंड विलिंगनेस। बाकी ग्रीन्स में बाकी के 2 ड्रैगन की बात करें तो एलिसेंट हाईटावर के 4 बच्चे हैं जिसमें से चौथा जो है बताया जाता है कि मारा गया है, जिसका टेसेरिन ड्रैगन है। फिलहाल के लिए उसकी कोई बॉडी नहीं मिली है, दैट्स वाई कि वो 50-50 का केस है कि कभी भी वो वापस आ भी सकता है, तो वो सस्पिशियस मामला है इसलिए उसे काउंट भी नहीं करा जाएगा। चौथा जो भाई वर्मिथोर है, जो सेकंड हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट ड्रैगन काउंट करा जाता है वागार के पास, वो किंग्स लैंडिंग के ड्रैगन पिट पर रेस्ट कर रहा है और उसका राइडर नहीं है, दैट्स वाई कि वो अंदर है। राइडर थे उसके किंग विसेरिस टारगेरियन जो अब गुजर चुके हैं, तो वो एक नए राइडर की तलाश में है, जहाँ पर सीजन 1 पर हमें डेमन टारगेरियन ने भी उसे रीच करने की कोशिश करी थी, उसके लिए सॉन्ग गाया था, उसे मनाने रिझाने की कोशिश करी थी, लेकिन वर्मिथोर की तरफ से वो रेस्पॉन्स नहीं देखने को मिला डेमन टारगेरियन के लिए, दैट्स वाई कि वो उनका फिलहाल के लिए 50-50 का ही केस है। फिलहाल अगर ये प्रोफेसी है कि भाई आगे जाके कैरेक्सिस ड्रैगन मारा जाएगा तो डेफिनेटली हो सकता है कि वर्मिथोर को भाई साहब डेमन टारगेरियन ही राइड करने वाला है आगे जाकर। तो ये भी सिर्फ थ्योरी है, नॉट स्पॉइलिंग, तो अगर ये कितनी सच है कितनी नहीं इस पर डिस्कस जरूर करके जाना, आपको कुछ पता हो तो। बाकी भाई साहब और कौन कौन कितना एक्साइटेड है ड्रैगन वॉर्स के लिए, क्योंकि एपिसोड 5 में खून खराबा तो देखने को मिलने वाला है। सर क्रिस्टन कोल किंग्स लैंडिंग, अब वो हैरन हॉल पर कब्जा चढ़ाई करने वाले हैं, जहां पर डेमन टारगेरियन भाई साहब फुल रौद्र रूप में तो पहले ही देखने को मिल रहा है वो, और वो एग्रेसिवली खुद को डिफेंड भी करेगा और ऑफेंसिवली अटैक भी करने वाला है। बाकी यहां तक पहुंच गए हो तो उसको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 में अब मजा आ रहा है या नहीं नीचे कमेंट ऑप्शन जरूर बता के जाना, क्योंकि बहुत लोगों की शिकायतें की थी भाई साहब कि ये बोर करने का काम कर रहे हैं, कहानी को खींचने का काम कर रहे हैं, तो एपिसोड में 5 में क्या होने वाला क्या नहीं आपके हिसाब से जरूर बता के जाना। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे ही, जय हिंद।